हुड़दंगी किसानों पर योगी का बड़ा एक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। जब किसान यूपी से एंटर होकर भारी तादाद में दिल्ली जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस भले ही बड़ी शांति से खड़ी हो, भले ही वो उन पर कोई भी एक्शन ना ले रही हो, लेकिन यूपी पुलिस के साथ किसानों की बदतमीजी थोड़ी महंगी पड़ गई, क्योंकि यूपी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। दरअसल किसान नोएडा से गाजीपुर बॉर्डर होते हुए सीधा दिल्ली में एंट्री कर रहे थे। तादाद बहुत ज्यादा थी, यूपी पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन उसके बाद किसानों ने उस बैरिकेडिंग को हटा दिया। उसके बाद एक एक कर किसान लगातार आगे बढ़ते चले गए। बस फिर क्या था, यूपी पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और ये एक्शन इतना जबरदस्त था कि कई ट्रैक्टर भी सीज कर दिए गए। आखिर किस तरीके से क्या कुछ हुआ देखिए। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार किसानों की भारी भीड़ नियम कानूनों को ताक पर रखकर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए लाल किले तक जा पहुंची, जमकर बवाल हुआ। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ, लेकिन दिल्ली के बवाल को देखते हुए योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी थी। दिल्ली में जैसे ही बवाल बढ़ा, नोएडा पुलिस ने किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। पुलिस ने किसानों को तो दिल्ली में दाखिल होने से रोका ही, किसानों को खदेड़ा गया, साथ ही उनके ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर लिए गए। क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहले ही कह चुके हैं कि जो प्रदर्शन करेगा, बेवजह सरकारी संपत्ति को तोड़ेगा और उसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी। जैसे ही दिल्ली में बवाल हुआ, योगी की पुलिस सतर्क हो गई और तुरंत मोर्चा संभाल लिया गया। आपको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए कि इस साजिश में कुछ राजनीतिक दल भी शामिल थे। यूपी पुलिस को जैसे ही मालूम हुआ, वैसे ही वो एक्शन में आ गई। आप ये वीडियो देखिए, इसमें समाजवादी कार्यकर्ता किसान बनकर दिल्ली की तरफ कूच की तैयारी में थे, लेकिन यूपी पुलिस ने समझदारी दिखाई और एक एक को अच्छे से सबक सिखाया। हालांकि दिल्ली में जिस तरह का बवाल हुआ, उसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। 25 किसान नेताओं पर FIR दर्ज कर दी गई, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और वीडियो के आधार पर बाकियों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने लाल किले में जाकर बवाल काटा था, लेकिन योगी सरकार ने समय रहते सब कुछ संभाल लिया। तो देखा आपने, अगर यही काम दिल्ली पुलिस करती तो शायद इतना नुकसान ना होता, इस तरीके से बसों के शीशे चकनाचूर ना होते और इस तरीके से पुलिस घायल ना होती। आप समझिए, जो लाल किले पर हुआ, जो ITO पर हुआ और दिल्ली के बाकी इलाकों में हुआ, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। देखकर हर कोई हैरान था। आज देश परेशान है इन तस्वीरों को देखकर। लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।